2024 कि पीएम मोदी संकल्प साकार गोटे देश गोटे निर्वाचन एवं केन्द्र तैयार पूर्वतन राष्ट्रपति कोविंद नेतृत्व में कमिटी ने निष्पत्ति अयथा बर्बाद होबनि देशर समय और संपत्ति बारंबार आचार संहिता जगु विकास कार्य होबनि विच्युति वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं, इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। पूर्व बारंबार जो निर्वाचन संस्कार लगी जोर दे आसी प्रधानमंत्री मोदी शेषे चूड़ा रूप देवाक आरंभ होद्यम एक संगे लोकसभा विधानसभा भोट कराइवाक मन बल सारी मोदी सरकार से पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षतार गठन कर एक कमिटी एक कमिटर परामर्श आधार में परवर्ती पदक्षेप ने केन्द्र सरकार भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th century 11th century 8th century से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में उसका तो चर्चा तो करना चाहिए, तो चर्चा करने के लिए कमिटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, इसे तो हमने थोड़ी कहा है। ये जानवा देशर कहीं एक संगे लोकसभा विधानसभा निर्वाचन कराइवाक चाहूंट प्रधानमंत्री मोदी यह द्वारा कौन है फायदा फायदा नंबर एक अलग अलग निर्वाचन जो राजकोषर होता बड़धरणर खर्च को सीमित कर फायदा नंबर दुई पृथक निर्वाचन जो सरकारी कल बारंबार निर्वाचन कार्य व्यस्त रही विकास कार्य बाधाप्राप्त होसंगे भोट हेले रोक फायदा नंबर तीन सारा देश भोटर तालिका थरे प्रस्तुत हो बारंबार तालिका प्रस्तुति और संशोधन हो समय अर्थ और श्रम व्यय को सीमित कर फायदा नंबर चार अलग अलग निर्वाचन जो बारंबार आदर्श आचरण विधि लागू हो विकास कार्य बाधाप्राप्त होसंगे लोकसभा विधानसभा भोट हेले थरे लागू होगा आचरण विधि फायदा नंबर पांच निर्वाचन में कलाधन व्यापक व्यवहार उपर अंकुश लगे और दुर्नीति को भी रोक जापर एक देश एक निर्वाचन वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ एक स्वागत योग्य पदक्षेप जोटा कि मुझे प्रथम कही विलंबर है स्वागत योग्य देखा जाऊ 2024 मसीह लागू हो गोटे समय सब भोट हम विशेष भाव विधानसभा और लोकसभा तेरे भोटर मानकर जो भोट परिमाण बढ़ लोक मैंने सचेतन हे जहाँकि गणतांत्रिक राष्ट्र एकांत अपरिहार्य तेरे एक देश और एक निर्वाचन व्यवस्था को विरोध करुछि इंडिया मेंट एक संगे लोकसभा और विधानसभा भोट हेले काले मोदी हवा जो विधानसभा भोट गणित तो बिगड़ी जीव सेथिपाई आशंकित तो विरोधी तो जब तक उसका स्वरूप सामने न आ जाए वर्तमान विधानसभाओं का क्या होगा एक स्वरूप आने दीजिए फिर उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन ये दिखाता है बहुत घबराए हुए हैं मोदी जी। पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर विल टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ असम। आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर टेकिंग ए बोल्ड स्टेप टुवर्ड्स वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी। सेप्टेम्बर 18-22 संसदर विशेष सत्र डाकिछंती मोदी सरकार तेबे केउथि पई ए विशेष सत्र एहाकु नै घोषणा होइ नथिबा बळे एही सत्र रे वन नेशन वन इलेक्शन बिल केन्द्र आगत करि पारे बोली चर्चा जोर धरिछि। तेबे एक देश एक निर्वाचन को भारत रे लागू करबा पूर्वरु केतक संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करबाकु हेबो। प्रथमे संविधान रा अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 संशोधन करने को हेबो। गत मौसुमी अधिवेशन रे एक देश एक निर्वाचन को एक प्रश्नर उत्तर दे केंद्र आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संशोधन संपर्क में कही तेणु विशेष सत्र से ही उद्देश्य डका जाए आकलन कर संविधान संशोधन पर उभय लोकसभा और राज्यसभा बहुमत बिल पास होगा आवश्यक तेब एतिकरे काम हेबनी यहापर अति कम्रे 15 राज्यर विधानसभा बिल को अनुमोदन मिलवा दरकार। तेणु एक देश एक निर्वाचन को लागू करने को
मोदी सरकार को अनेक चैलेंज रो सामना करबा को पड़ी पारे। यहाँ को नहीं कौन रहुची केन्द्र रणनीति ताकू रही अपेक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।